हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में लगाई गई एक याचिका ने एमपीपीएससी अभ्यर्थियों की चिंताएं बहुत बढ़ा दी हैं और इसी के बीच आप सभी के लगातार मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं जिसमें तमाम तरह की जो चिंताएं हैं, जो आशंकाएं हैं, आप सभी व्यक्त कर रहे हैं। उन्हीं पर चर्चा करने के लिए कि आखिर इस याचिका का आधार क्या है, आगे क्या हो सकता है और इसको लेकर जो आपकी चिंताएं हैं उन पर भी बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की हमारी लिंक्स दी गई हैं, इनको भी ज्वाइन करिए। आने वाली एमबीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको आप ज्वाइन करिए। इनके प्रश्नों का जो स्तर है वो बिल्कुल वही है जिस प्रकार से एमपीपीएससी पूछता है। अगर आपको जरा भी शंका है तो जो सैंपल्स हम शेयर कर रहे हैं उनको ज़रूर देखिएगा और जो पीएससी के पेपर्स आते हैं उनसे आप मैच कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा से पहले प्रिंस सर की यह परीक्षा अगर आप देंगे तो निश्चित ही आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। साथ ही प्रिंस सर के नोट्स, कक्षाओं के सैंपल्स भी हम शेयर करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9685705712 पर व्हाट्सएप करिए। याद रखिए, सफलता सफल मार्गदर्शन से मिलती है, दिखावे से नहीं। तो यह है वो याचिका के संबंध में सूचना जो कि लगाई गई है ये याचिका। और इसमें आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि देखिए, मामला ये है कि इन दोनों एक याचिका लगाई गई है जिसमें जो उम्मीदवार है आरक्षित वर्ग के उनको लेकर है। इस याचिका में कहा गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है उनकी गाइडलाइन है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को हर स्टेज में, यानी कि प्रथम, द्वितीय या तृतीय चरण, जो भी जितने भी चरण होते हैं, हर स्टेज में उनको माइग्रेशन देने की आवश्यकता नहीं है। साधारण शब्दों में समझें तो देखिए, जैसे एमपीपीएससी की परीक्षाएँ हैं इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स की भी मेरिट बनती है, मेंस की भी बनती है और इंटरव्यू की भी बनती है। तो इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो इस याचिका में कहा गया है कि जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उनको सिर्फ फाइनल रिजल्ट के समय या इंटरव्यू के समय ही माइग्रेशन, यानी कि अनारक्षित श्रेणी में मेरिट लिस्ट में जगह देने की आवश्यकता है, हर स्टेज में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि आखिर इस याचिका का आधार क्या है। देखिए, इस याचिका का आधार जो बना है वो माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का एक फैसला है। आप सभी को याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के माध्यम से एक भर्ती हुई थी जिसका परिणाम आया। आपको याद होगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में स्टेनो क्लर्क इत्यादि पदों की भर्तियाँ हुई थी, उसमें जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्होंने याचिका लगाई थी कि हमारे जो अंक हैं वो अनारक्षित वर्ग के बच्चों से ज़्यादा होने के बावजूद भी हमें मेरिट में जगह नहीं मिली है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला दिया, कहा कि हर स्टेज में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, आरक्षण आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट के समय दिया जाएगा और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। लेकिन इसके पहले जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एमपीपीएससी को लेकर याचिकाएँ लगाई गई उनमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरक्षण को सही माना था, जहाँ तक मुझे याद है। तो एक तरह से ये हो गया कि दो अलग अलग याचिकाओं पर दो अलग अलग तरह के फैसले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दे दिए। और जो अभी हाल ही का फैसला है जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आरक्षण का जो भी बेनिफिट है वो देने की बात कही है सिर्फ अंतिम परिणाम के समय। और ये जो आधार है ये आपको बता दें, जो कि मैंने थोड़ा सा देखा है, सोचा है और समझा है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी गाइडलाइन है, मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पीएससी व अन्य परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के उत्कृष्ट उम्मीदवारों को प्रत्येक स्तर पर माइग्रेशन का लाभ क्यों दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने इस मामले में विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। यानी कि जितने भी हमारे जिम्मेदार इसमें व्यक्ति हैं उनको नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने इस नियम के तहत आगे की जाने वाली सभी कार्रवाई को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है और इसके तहत राज्य सेवा परीक्षा 2020, 2021 और 2022 भी कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। एक अभ्यर्थी है, उनका नाम दिया गया है, उन्होंने ये याचिका लगाई है। मध्य प्रदेश सिविल सर्विस रूल 2015 में 20 दिसंबर 2021 को हुए संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता, उनका नाम दिया है, दलील देते हुए कहा कि उक्त संशोधित नियम का पालन करते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2020 एवं अन्य परीक्षाओं के हर स्तर में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का माइग्रेशन आरक्षित वर्ग में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतों के तहत यह असंवैधानिक अवैधानिक है, माफ कीजिए। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कहा है कि मेरिट केवल मुख्य परीक्षा व साक्षात्कार में ही तय होगी। मामले पर अगली सुनवाई 12 जून को होगी। तो देखिए, ये आधार है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं और माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय का जो फैसला है, जिसमें अभी हाल ही में स्टेनो को लेकर, उसके परीक्षा परिणाम को लेकर उन्होंने फैसला दिया, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और कहीं ना कहीं ये जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, ये आने वाली भर्तियों के लिहाज से या वर्तमान में जो भर्तियां चल रही हैं उनके लिहाज से थोड़ी सी आप कह सकते हैं चिंताजनक हैं। आने वाली परीक्षाओं में सुनिश्चित सफलता के लिए प्रिंसिपल के नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाओं के जो हम सैम्पल्स शेयर कर रहे हैं इनको देखिए आप। और चूंकि इसलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि आपका एक एक नंबर अति महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आप इसलिए समझें क्योंकि जो लोग चीज़ों का अत्यधिक प्रचार प्रसार करके, भ्रमित करके आपको गुमराह करते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान आपका स्वयं का होता है और बाद में आप देखते हैं कि पटवारी जैसी परीक्षा जो कि 5 साल बाद आयोजित होती है, उसमें भी आपके अंक कम हो जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो सही मार्गदर्शन है उसका चुनाव नहीं किया और दिखावे के लिए आप कह सकते हैं कि आप जो है उस पर ना जाएं, सही चीज़ों का चुनाव करें। आपके लिए क्या सही है, किससे मेरिट बनेगी, कौन सा कंटेंट सही है, कौन सी क्लास सही है, कौन सा मार्गदर्शन सही है, ये स्वयं सोचें समझें, अभ्यर्थियों से पूछें। हमारा कंटेंट, हमारी क्वालिटी आपके सामने है, जग जाहिर है। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, सभी चीज़ों पर हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे ही अगली कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल यही अपडेट थी, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। और फिलहाल आप प्रीलिम्स 2022 की तैयारी करिए, 2021 मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए और जो भी आपको ज़रूरत पड़े मार्गदर्शन की, प्रिंसिपल से मार्गदर्शन लीजिए, क्योंकि सफलता सफल मार्गदर्शन से मिलेगी, दिखावे से नहीं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, धन्यवाद।